सो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है तुम सभी के। उम्मीद करता हूँ यार सब बढ़िया होगा। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फ्री फायर का जो एक्सटेंशन पैक अपने आप डिलीट हो जाता है उसको कैसे सॉल्व करें। अब मैंने इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था एक्सटेंशन पैक के ऊपर, बट लेकिन वो वीडियो का जो ट्रिक था वो अब काम नहीं कर रहा अपडेट के बाद। सो और वो कुछ डिवाइसेस में वर्क कर रहा बट लेकिन बहुत कम डिवाइसेस में कर रहा। अभी ये दिक्कत वो आ रही है तो बस ओप्पो वाले को आ रही है और रियलमी वाले को आ रही है। और सैमसंग में मैंने एक बार ट्राई किया था, उसमें वर्क कर रहा था, अब सैमसंग में भी वर्क नहीं कर रहा। तो मैं आप लोग को आज तीन डिवाइसेस के ट्रिक बताऊंगा जो 100% वर्क करता है। और एक सैमसंग का है वो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो मेरा 100% वर्क करता है, मेरा कोई भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है फ्री फायर का। और जो रियलमी वाले का है, रियलमी ओप्पो वाले का जो ट्रिक है वो मेरे को स्कैरी डैड FF ने बताया है, जिसका आप फोटो देख ही सकते हो स्क्रीन पे। सो इनको भी हल्का सपोर्ट करो भाई लोग, इनका चैनल का लिंक नीचे कमेंट में पिन किया है। तो यार चलते हैं यार बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। सो गाइस चलते हैं हम अपने फर्स्ट ट्रिक की तरफ जो है सैमसंग के लिए। सो गाइस सबसे पहले आप लोग को अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आप लोग को जाना है बैटरी एंड डिवाइस केयर पे, तो उस पर क्लिक कर लेना है। आप लोग को ऊपर थ्री डॉट दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक मार लेना है। अब यहाँ पर स्टोरेज बूस्टर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ऑटो डिलीट अननेसेसरी डाटा जो है उसको ऑफ कर लेना है। अब ऑफ़ करने के बाद गाइज ये जो शेड्यूल आपको दिख रहा है डेली एट मिडनाइट, वो क्या करता है गाइज, वो 12 बजे के बाद फ्री फायर का जो जितना भी एक्सटेंशन और रिसोर्स पैक है वो सारा डिलीट कर देता है। सो आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो इसके बाद कुछ डिलीट नहीं होगा। मैं ये ट्रिक खुद यूज़ करता हूँ, मेरा खुद सैमसंग का डिवाइस है। सो मैं इस ट्रिक को यूज़ करता हूँ तो मेरा 2-3 दिन से डाटा डिलीट नहीं हो रहा। सो गाइस चलते हैं हम लोग अपने ट्रिक नंबर 2 की तरफ जो है ओप्पो और रियलमी के लिए। अब ओप्पो और रियलमी का सेटिंग बिल्कुल सेम है तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। सो यार चलते हैं अपने मेन होम स्क्रीन की तरफ। सो गाइस सबसे पहले आप लोग को अपने फ़ोन के आई मैनेजर या फ़ोन मैनेजर में आ जाना है, जो भी आपके ओप्पो या रियलमी के फ़ोन में होगा। सो आपको अभी ये 2 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। अब ये जो आपको दिख रहा है ऑटो स्टोरेज क्लीन अप, उसको नेवर पे कर देना है। ये एवरीडे पे होगा, उसको नेवर पे कर देना है। बस यही है ओप्पो और रियलमी का ट्रिक। अब इसके बाद आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होने वाला है। सो गाइस वीडियो है तक थी यार, वीडियो पसंद आया तो आप लोग को वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आप लोग को दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।